2006 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे उसके बाद हम लोग आए तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और हम लोग कितना काम किए, लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है, कौन काम किया है, एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं, बोलिए तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना है। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से था, सबको कितना देखा आकर के, उसके बाद भी नहीं है किया, तो कोई कुछ किया है, नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहे, तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत-बहुत प्रणाम। के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इसमें पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है, इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10,00,000 नौकरी, 10,00,000 रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे, आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है,
हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा, ये जो शुरू किया गया अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2,00,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10,00,000 की जगह 12,00,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10,00,000 का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10,00,000 से बढ़ करके 12,00,000 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10,00,000 कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है, पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10,00,000 का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24,00,000 लोगों की रोजगार दे दिया गया है, तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10,00,000 और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10,00,000 रोजगार की जगह 34,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,00,000 नौकरी की तरह 12,00,000 नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जातियों